वेलकम बैक गाइस, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैंगोमैन लाइफ व्लॉग्स में। तो शादियों का सीज़न वापस आ चुका है और तैयारी ज़ोरों शोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे घर में कुछ शादियां हैं, मेरे दो कज़न्स हैं उनकी शादियां हैं, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और यहाँ पे नाच गाना शुरू हो चुका है। जो फंक्शंस होते हैं उनका सिलसिला जारी है और काफ़ी खुशी का माहौल है। कोविड की इस जो जंग से हम निकल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अदालत इसी नतीजे पर पहुंची है कि शादी का प्रोग्राम जो चल रहा है उसको एंजॉय किया जाए। तो चलिए एंजॉय करते हैं, जुड़े रहिएगा मुझसे। तो यहाँ पर हम लोग दोबारा से पहुंच गए हैं। जैसे कि आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा था कि हम लोग को ट्रायल के लिए जाना था, तो आज दोबारा से हम लोग आ गए हैं A1 फैशन एंड डिज़ाइनिंग स्टूडियो पर। इन्होंने हमें फ़ोन करके बोला था कि भैया आपके सूट्स तैयार हैं। तो मैं और मेरे दोनों भाई हम लोग ट्रायल के लिए आए हैं। आज फाइनल जो है हमें इसका नेक्स्ट वीक मिलेगा, पूरी तरह से तैयार होके स्टीम्ड आयरन सब कुछ हो करके वो नेक्स्ट वीक मिलेगा। लेकिन आज जो है फिटिंग वगैरह चेक करने के लिए हम लोग आए हैं। तो अब ट्रायल की बारी आ चुकी है, आज रेडी है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वापस से ट्रायल करने के लिए। हमारे कपड़े बनके तैयार हो चुके हैं भाई। तो भाई हमारे सूट्स बनके तैयार हैं, चलो ट्रायल के लिए आपको लेके चलते हैं। फटाफट दिखाता हूँ कि लुक ओवरऑल कैसा आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताना कि आपको हमारा सूट, मतलब मेरा सूट और मेरे भाइयों का सूट, आपको कैसा लगा, अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ज़रूर बताना। तो भाई देख करके हमें पता तो लगे कि दिख कैसे रहे हैं। एक्चुअल में भाई की शादी है, हल्के में नहीं लेना चाहिए हमको। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये कितना सुंदर पीस बनाया है आपने भाई, मेकिंग स्टिच बढ़िया एकदम दिखा रहा, बिल्कुल एकदम क्लोज मैक्रो ले रहा हूँ इसमें बिल्कुल। तो भाई ये देखो, ये मेरे भाई ने जो बनवाया था सूट, ये वो है भाई। लग तो जावड़ रहा है गुरु, ये डोला वोला तेरा दिख रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। शर्ट की फिटिंग भी अच्छी आ रही है भाई। कोई नहीं, आगे से दिखाया फिटिंग चाय लेंगे सर। दूसरी बात मैं चाहता हूँ हल्का सा और स्लिम, खुल जाएगा बाद बिल्कुल बाद में खुल जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर हमारा 4 इंचेस मार्जिन होता है। हाँ तो साइज आपका साइज मेरे साइज बड़े बिल्कुल सर, बिल्कुल 4 इंचेस आप और लूज करा सकते हो हमारे पास हर जगह से। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ जैसे अभी। तो अब्बास भाई ऐसा सिर्फ आप ही करते हैं और कोई भी करता है? नहीं करता हूँ सर, 4 इंच वाला सिस्टम सर मेरे को लग रहा है। साइज आदमी का इंक्रीज हुआ तो कम से कम बनाने का समय से कुछ तो फायदा मिले उसको। बाजू बाजू उठाएगा ना दिक्कत हो जाएगी भाई। एक मिनट रुको, ये मैं इसको करता हूं बस भाई। ये वाला, ये वाली चीज बटन इतना लगेगा? हाँ इतना ही लगेगा। फिर फिटिंग का पता कैसा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये लो इतना करवा। अब मान लो हाँ बटन बंद करके, हाँ अब खींचो। अब ठीक है, अब मैंने खींच रखा है, खींच रखा है। ठीक है, हाँ ठीक है। अब फिटिंग है, कर लेना ट्राई कर लो। ठीक है, एक मिनट पहले ट्राई तो कर रहा हूँ, बढ़िया लग रहा है इनका सूट यार। देखो कोई दिक्कत नहीं, हल्का निशान आ रहा है यार। शर्ट शर्ट बढ़िया लग रहा है, शर्ट की फिटिंग देखो यार, क्या जबरदस्त डोले सोले बना रखे हैं भाई ने एकदम मस्त। ये जिम वाले की अगर डोले सोले नहीं दिखा पाए तो बेकार है। सही फिटिंग लग रही है भाई, तुम जो गजब आ रही है फिटिंग। Thank you.
सो गाइस अब आ गई है टर्न मेरी ट्राई करने की। सो ये मेरा जो कोट पैंट के साथ वाला पैंट होता है वो कुछ इस तरह की फिटिंग आई है। फिटिंग मुझे काफ़ी पसंद आई, काफ़ी कंफर्टेबल लगी मुझे, और किसी भी तरह की ऑल्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कपड़ा कैसा लगा, ये फ़िटिंग कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई, और जो लोग आसपास थे उन्होंने भी कहा कि भाई अच्छी फिटिंग आई हुई है आपकी। सो ये रहा भाई ओवरऑल लुक, कोट पैंट ये सब आपके सामने है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिटिंग काफ़ी अच्छी आई थी, पर्सनली मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे काफ़ी पसंद आया, खासा पसंद आया मुझे, और मतलब एक वैल्यू फॉर मनी मैं इसको कह सकता हूँ आराम से। बहुत ही प्यारा कपड़ा भी बहुत अच्छा था, और बिल्कुल स्लिम फिट मैंने बनवाया था, तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत मुझे इसमें नज़र नहीं आई, मुझे कोई ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी जो है हम इसको कलेक्ट करने के लिए नेक्स्ट वीक जाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों ने अपने जो सूट्स हैं उनके उनमें कुछ जो है ऑल्ट्रेशन कराई है। तो जो फाइनल जो ओवरऑल लुक आएगा वो उस दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा उन दोनों के सूट्स का भी। अभी मैंने आपको ग्लांस दिया है उनके सूट्स का, तो ज़रूर बताइएगा। सो भाई अपने पूरे लाइफ टाइम में ये जो कोट है ना, मैं दूसरी बार सिलवाया मैंने इस तरह का कोट पैंट। मैंने थ्री पीस सिलवाया था उससे पहले, जो मुझे बिल्कुल भी कतई पसंद नहीं आया, लेकिन वो मेरी शादी का था। तो आप ज़रूर बताना है कि ये कैसा लग रहा है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल फिटिंग कैसी आई है शादी वाले दिन। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये मेरे भाई का है, कुछ इस तरह का फिट उसको आया। देखिए कितना प्यारा, बहुत ही सूदिंग सा एक कपड़ा है इसका। फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई हुई थी, बट इसको भी कुछ ऑल्टर कराना था। मेरा तो बन गया ओके, ठीक है। इन दोनों की थोड़ी सी मेरे को लगता है कि हो सकती है कोई गुंजाइश, तो जो भी है वो ठीक कर देना, ठीक है ना। मैं तो निकल रहा हूँ अब, ठीक है। मेरी तो बढ़िया आई है भाई, मेरे तो मस्त, मुझे तो सही लगा। और बाकी भाई का करा देता हूँ, इसका करवा दो फटाफट ना। मैं अब जा रहा हूँ घर, ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट वीक जो है हम लोग आ जाएंगे, सैटरडे को लेने आएंगे, है ना। तो अच्छे से उसको आयरन वगैरह पैक वगैरह स्टीम लगेगा, फिर उसको पैक ब्रश भी लगेगा, बस बस पूरा कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। थैंक यू। सैटरडे को आएंगे सैटरडे को। सो भाई अपने लिए तो हमने खरीद लिया, लेकिन बच्चों के लिए भी तो खरीदना था। नोआ जो है उसके लिए मैंने कुर्ता पजामा खरीदा इंडो वेस्टर्न स्टाइल का, बहुत ही प्यारा उसके ऊपर सूट करता हुआ, कलर भी एकदम निखरता हुआ, बहुत बेहतरीन से मैंने ये खरीदा है, और लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ चेक इट आउट, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको। सो गाइस होप आपको मेरा सूट वगैरह काफ़ी पसंद आया होगा। तो हम लोग जो है आगे थे मेरी बुआ के यहाँ पर, जो हम लोग गए थे फंक्शन अटेंड करने के लिए, वहाँ से हम लोग वापस आ चुके हैं, और काफ़ी थक भी गया हूँ। वापस आने के बाद मैंने हेयर कट भी कराया, भाई अब सगाई है, शादी है, तो थोड़ा तो लुक बदलना पड़ेगा। लड़के का भाई हूँ तो अच्छा तो दिखना ही पड़ेगा ना। और अपने लिए तो कपड़े खरीद चुके हैं हम लोग, लेकिन बेटे के लिए भी हमने कपड़े खरीदे, और बेटी के लिए हमने पहले से ही खरीद रखे थे। तो ओवरऑल जो नोआ के लिए मैंने खरीदा है काफ़ी अच्छा है, कुर्ता पजामा एक इंडो वेस्टर्न स्टाइल का मैंने उसके लिए मंगवाया है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे, आप भी अपने बच्चों के लिए खरीदना चाहते हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो, मेरे आउटफिट और नोआ का आउटफिट। शादियों का जो माहौल है ना भाई, बड़ा मज़ेदार माहौल है अभी, तो दिखाऊंगा मैं वेडिंग भी पूरी कवरेज वहाँ पर करूँगा, और वीडियो बना के जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड करूँगा। सो अनटिल नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, स्टे वेल।